अपना जीवन सफलतापूर्वक और शांतिपूर्वक बिताना है आपको ये साल, तो आप इन पांच बातों को ज़रूर अपनाइए। सबसे पहली बात है पी, प्रार्थना, प्रेयर। प्रार्थना पूर्वक अपने जीवन की शुरुआत कीजिए, दिन की शुरुआत कीजिए, एंड में प्रार्थना पूर्वक कीजिए। और प्रार्थना मतलब परमेश्वर से जुड़ जाना, और जब हम परमेश्वर से जुड़े रहते हैं तो हमें हर बुद्धि और ज्ञान का सोता जो परमेश्वर है वो हमें अगुवाई करेगा। दूसरा पी है प्रायोरिटीज। जिन बातों को प्राथमिकता देनी चाहिए जीवन में, उन बातों को सर्वप्रथम कीजिएगा। अपनी जीवन की प्राथमिकताओं को देख करके ही अपना पूरा समय और पूरा आप टाइम टेबल बनाइएगा कि क्या विशेष है, उस पर हम ज़्यादा ध्यान देंगे। तीसरी बात, हमें पेशेंस होनी चाहिए, धैर्य होना चाहिए। किसी भी काम की आप शुरुआत करते हैं, किसी भी काम में आपको कुछ प्रॉब्लम्स आती, आपको कभी भी अपना धैर्य नहीं खोना है। कंसिस्टेंसी के साथ करते रहिए और धैर्यपूर्वक उस काम को ख़त्म करने के लिए कोशिश, फ्रस्ट्रेशंस को बिल्कुल दूर रखिए अपने जीवन से। हमने देखा प्रार्थना, पीस एंड प्रायोरिटीज़, और हमने पॉजिटिव बने रहना है। बहुत सी निगेटिविटी आज मौजूद, निगेटिव लोग होते हैं जो आपके काम को, आपके उत्साह को बिल्कुल नकारात्मक रीति से लेके जाते हैं। उनके बीच में आपको पॉजिटिव बने रहना है, अपने निश्चय पर, अपनी बात पर अपना निश्चय बनाए रखना है और पॉजिटिव रहना है। सकारात्मक सोच लेकर के आपको चलना है। हमने देखा है हमारे अंदर पेशेंस होनी चाहिए, प्रार्थना और प्रायोरिटीज़, और हमने देखा पॉजिटिविटी। इन बातों को अगर हम लेकर के चलते हैं तो हमारे जीवन में बहुत आसान हमारा जीवन हो सकता है, और हम उत्साहपूर्वक ये बल्कि अपना हर काम बड़ी उत्सुकता से पूरा करेंगे और विजयी जीवन की तरफ।